हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी क्रिकेट फैंस का एक बार फिर से आपके अपने चैनल गोल्डन मैसेज में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वनडे क्रिकेट की शुरुआत साल 1975 में हुए वर्ल्ड कप के साथ हो गई थी। तब से लेकर अब तक वनडे क्रिकेट में 12 वर्ल्ड कप खेले जा चुके हैं। वनडे क्रिकेट के 45 सालों में हमने एक से बढ़कर एक बल्लेबाज को देखा है जिसने अकेले दम पर मैच का रुख बदल दिया था। दोस्तों, इसी को नज़र में रखते हुए आज बात करेंगे विश्व के उन टॉप 5 बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने अकेले दम पर सबसे ज़्यादा बल्लेबाजी औसत के साथ अपनी टीम को जीत दिलाई है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि कौन है वो टॉप 5 बल्लेबाज। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के मिस्टर क्रिकेट के नाम से मशहूर रहे माइकल हसी। बात की जाए इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज की, तो इस बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 185 वनडे मैचों में 48 के बल्लेबाजी औसत के साथ रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये बल्लेबाज जब ऑस्ट्रेलिया के लिए सफल रन चेज में बल्लेबाजी कर रहा होता है तो इस खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत 48 से बढ़कर 74 का हो जाता है। दोस्तों, इस लिस्ट में 4थे नंबर पर आते हैं साउथ अफ्रीका के 360 डिग्री के नाम से मशहूर एबी डिविलियर्स। दोस्तों, बात की जाए अगर साउथ अफ्रीका के इस दाएं हाथ के बल्लेबाज की, तो इस बल्लेबाज ने साउथ अफ्रीका के लिए 228 वनडे मैचों में 53 की बल्लेबाजी औसत के साथ रन बनाए हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका का ये बल्लेबाज जब साउथ अफ्रीका के लिए सफल रन चेज करता है तो इस खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत 53 से बढ़कर 76 का हो जाता है। दोस्तों, इस लिस्ट में 30 नंबर पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के बेस्ट फिनिशर के नाम से मशहूर माइकल बेवन। दोस्तों, अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया टीम के इस बल्लेबाज की, तो इस बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 232 वनडे मैचों में 53 की बल्लेबाजी औसत से रन बनाए हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ये बल्लेबाज जब सफल रन चेज में बल्लेबाजी करता है तो इस खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत 53 से बढ़कर 84 का हो जाता है। दोस्तों, इस लिस्ट में 2 नंबर पर आते हैं टीम इंडिया की रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली। दोस्तों, बात करी जाए टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की, तो इस बल्लेबाज ने टीम इंडिया के लिए 248 वनडे मैचों में 59 के औसत से रन बनाए। लेकिन टीम इंडिया का ये बल्लेबाज जब भारत के लिए सफल रन चेज में बैटिंग करता है तो इस खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत 59 से बढ़कर 98 का हो जाता है। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे ऊपर पहले नंबर पर आते हैं टीम इंडिया में कैप्टन कूल कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी। अगर बात की जाए टीम इंडिया के इस विकेटकीपर बल्लेबाज की, तो इस बल्लेबाज ने टीम इंडिया के लिए 350 वनडे मैचों में 50 के बल्लेबाजी औसत से रन बनाए हैं। लेकिन टीम इंडिया का ये बल्लेबाज जब भारत की सफल रन चेज में बल्लेबाजी कर रहा होता है तो इस खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत 50 से बढ़कर 102 का हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।